बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर भट्ट, आप देख रहे हैं स्टेट 5 टीवी। बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। 456 गाफ पे में अल बरकत क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें इलाका भर की बेहतरीन 16 टीमें शिरकत कर रही। क्रिकेट मुकाबला 5 रोज जारी रहेंगे। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी रजब बलोच मरहूम के बेटे रोशान रजब बलोच थे। इफ्तिताही मैच 452 और 542 के दरमियान खेला गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन साबी से। जी साबी, टूर्नामेंट के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, तांदलावाला के इलाका चक नंबर 456 गावे में अल बरकत क्रिकेट मेले की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी लीगी रहनुमा रुशान रजब बलोच का ढोल की थाप और फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। इफ्तिताही मैच 452 बा मुकाबला 542 गाबे के दरमियान हुआ। मेहमान खसूसी के हमरा इलाका की मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत पीर बिस्मिल्ला कादरी और दीगर मेहमानाने गिरामी मैच से लुत्फानंदोज़ हुए। याद रहे, ये मुकाबले 5 रोज जारी रहेंगे, जिसमें इलाका भर की 16 बेहतरीन टीमें एक दूसरे के खिलाफ पंजा आजमाई करेंगी। इफ्तिताही तकरीब में मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए रुशान रजब बलोच का कहना था कि खेल के वीरान मैदान आबाद करने से नौजवानों को बुराई के रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। इंशाल्लाह इक्तदार में आकर खेल के वीरान मैदानों को आबाद किया जाएगा। जी, सिटी 5 न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 टीवी। मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना और सब्सक्राइब करना सिटी 5 टीवी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।